अफजल अंसारी, श्री अफजल अंसारी जी, धन्यवाद। माननीय पीठासीन अध्यक्ष जी, आपने हमको वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा मंत्रालय के बजट में अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। माननीय लोहिया जी ने कहा था कि निर्धन हो या धनवान, सबको शिक्षा मिले समान। आज ये दुख का विषय है कि शिक्षा विभाग ने अनुदानों के लिए जो अपने बजट में प्राविधान किया है, उसमें यह अफसोसनाक स्थिति है कि SC ST और OBC के लिए जहां बजट में वृद्धि करने की आवश्यकता थी, वहां उनके लिए निर्धारित बजट में भारी कटौती की गई है। और इसी क्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब फाउंडेशन, एक सेकंड अभय कुमार, इसका बजट जो पहले से ही बहुत कम था, इससे पहले मात्र 40 करोड़ रुपया। इससे पहले भी माननीय स्पीकर जी साहब ने बताया कि जब सदस्य बात करते हैं, एक हाथ जो में ना रखें। इस बहरहाल इस बार ये 40 करोड़ का भी जो बजट था, इसे घटा करके अब 30 करोड़ कर दिया गया। एक मानसिकता का पता चलता है। ये भी देखने की बात है कि इस बजट में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए उसमें भी पहले की तुलना में भारी कटौती की गई, जबकि उसमें व्यापक वृद्धि की आवश्यकता थी। बजट में SC ST OBC को जो मुफ्त कोचिंग के माध्यम से उनको शिक्षा के लिए सहूलियत प्रदान करने का जो बजट था, वो भी पहले से बहुत कम था। लेकिन अफसोस की बात है कि जो था 47 करोड़ रुपया, उसे भी घटा करके अब मात्र 35 करोड़ रुपया कर दिया गया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो टॉप क्लास की एजुकेशन के क्षेत्र में भी SC ST के लिए जो पहले 111 करोड़ रुपए का बजट में प्राविधान था, अब उसमें भी बड़ी कटौती कर दी गई है। मानवर, आपके माध्यम से हम दो पंक्ति की कविता के साथ अपना भाव, अपना विचार सदन में रखना चाहते हैं कि देवता मेरे आंगन में उतरेंगे कब, जिंदगी भर यही सोचता रह गया, और मेरे बच्चों ने उस चांद को छू लिया, जिंदगी भर जिसे पूछता रह गया। आज जब दुनिया शिक्षा के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, साइंस के माध्यम से अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच रही है, तब हमारे देश में शिक्षा में खास तौर से जो कमजोर वर्ग है, SC ST है, OBC है, माइनॉरिटी के लोग हैं, इनके शिक्षा के प्रति जागरूक करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में बढ़ाकर प्राविधान किया जाना था, जिसमें बड़े पैमाने पर कटौती की गई। ये इस सरकार की दूषित मानसिकता का एक प्रमाण है। वैसे भी हमारे देश में विडंबना का विषय यह है कि दोहरी शिक्षा नीति लागू है। एक तरफ वो शिक्षा जो सरकारी स्कूलों के माध्यम से गांव में रहने वाले गरीबों के लिए उपलब्ध है, जहां आज भी हाथ में कटोरा और पीठ पर बोरा गरीब किसान का बच्चा स्कूलों में जाता है तो क से कबूतर, ख से खरहा और ग से गधा पढ़ाया जाता है। अब दूसरी तरफ मॉडर्न स्कूल, प्राइवेट स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल, इन स्कूलों में जो अंग्रेजी माध्यम से और आधुनिक ढंग से जो शिक्षा दी जाती है, दोनों रास्तों से जो शिक्षा प्राप्त करके बच्चे हमारे ऊपर जाते हैं, तो जब किसी पद के कंपटीशन में दोनों को हिस्सा लेना होता है,
तो जो क से कबूतर, ख से खरा, ग से गधा पढ़ के गया है और जो क से कंप्यूटर पढ़ के गया है, वहां जब मुकाबला होता है तो जरूर जो आधुनिक शिक्षा से लैस उस विद्यालयों से पढ़ के आने वाले छात्र हैं वो कामयाब होते हैं। और सरकार की तरफ से जो अपने देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, गांव में रहने वाले लोगों के लिए जो शिक्षा का प्रबंध है, उस शिक्षा को ग्रहण करके जो लोग ऊपर पहुंचते हैं तो उनकी बुनियाद कमजोर हो जाती है। देखने की बात है, देखने की बात है कि ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी था कि हम दोहरी शिक्षा नीति को कैसे समाप्त करें, कैसे संतुलन बनाएं। जो प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा है उस वो इतनी महंगी है कि एक गरीब आदमी तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता, एक मध्यम वर्ग का आदमी भी नहीं कर पाता। उनके बच्चों को 2 में 3 में 4 में 5 में पढ़ने के लिए 2,000 रुपया महीना, 5,000 रुपया महीना, 4,000 रुपया महीना और बड़ी ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो कोई साधारण किसान, कोई गरीब, कोई गांव का आदमी अगर अपनी हैसियत को भी बेच दे तो वो अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सकता, अपने बच्चों को उस तरह की शिक्षा नहीं दे सकता जो उसके लिए एक सपना है। मान्यवर, आपके माध्यम से इस सदन में हम आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी सरकार को दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने की दिशा में पहल करनी चाहिए और सरकार का ये बजट जिसमें अनुदानों के लिए जो प्राविधान किया गया, इसमें जो SC ST और OBC और माइनॉरिटी के लोगों को जो सहूलतें पहले से फराहम की जाती रही हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए उसमें कटौती किए जाने से ये साबित होता है कि आप दोहरी शिक्षा नीति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर श्रीमान जी आपके माध्यम से एक बात और कविता के रूप में आपके अपने भाव को इस रूप में रखना चाहता हूं। अभी बात नहीं समझ में आ रही, अभी बोल रहे थे एक सज्जन तो वो 1 मिनट में शिक्षा की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ सागर में चले जा रहे थे। तो सागर और शिक्षा बात समझ में नहीं आ रही। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी। और कमजोर की आहों को, मजलूम की आहों को कमजोर समझ लेना अब जालिम हुकूमत के जाने की निशानी है। यहाँ डॉक्टर राजकुमार, हमारे यहाँ सदन में डॉक्टर राजकुमार सांगवान चर्चा हो रही है। डॉक्टर राजकुमार मान्यवर धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नहीं, बहुत समय दिया।